फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी, संध्या फ्लेक्स यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से, तहे दिल से हार्टली स्वागत करता हूँ। हर वीडियो आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए रहता है। इसको देखिए, इसको लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए। और हमारे से अगर कोई वीडियो बनाने के टाइम में अगर कोई मिस्टेक होता है, कुछ त्रुटियां आ जाती है, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आने वाला वक्त में उसको, इंसान गलतियों का मूर्त होता है, इंसान कितना भी सही काम करने को सोचेगा तो कुछ गलतियां तो होती है, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी होती है। तो आज का सब्जेक्ट हम लेकर के आए हैं आपके लिए, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, सिक्स थिंग्स टू कीप इन योर माइंड व्हाइल कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेशन स्किल को हमारा फर्स्ट पाठशाला क्या होता है, हम कहाँ पे सीखते हैं? फर्स्ट तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अपने माँ बाप के ही गोद में, अपने फैमिली में ही पलता है, बड़ा होता है, तो वहाँ से ही उसको जो सब्जेक्ट जैसा कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, वही कम्युनिकेशन जो है उसके लाइफ में काम आता है। तो हर इंसान को, हर पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका बच्चे को एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल को ट्रेनिंग दीजिए, ताकि लाइफ के कितना भी उसके सामने कोई स्ट्रगल आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी बारिश हो, ये बारिश रूपी समाज, तूफान की समाज उसका हर एक रास्ते का कांटा बनने का कोशिश करेगा। तो जिस दिन आप अपने बच्चों को 10 साल 15 साल अपने घरों में रखते हो, उसको कम्युनिकेशन स्किल इतना बिल्डअप कर दीजिए कि समाज से, सोसाइटी से लड़ने के लिए उसका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी भारी पड़े। आगे चल करके आपको बताएंगे, काफ़ी हमारे अंदर सोच है, 45 इयर्स का एक्सपीरियंस को लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने। हर एक वीडियो आपके लिए होगा और इस समाज के लिए होगा। तो फर्स्ट जो पाठशाला होता है कम्युनिकेशन का, बच्चों को हम डैडी का बोलना सिखा दे या फादर या अब्बा जान, क्या बोलना सिखाते हो? दादा दादी, किसको रेस्पेक्ट देना, किसको नहीं देना, हम तो उसको वहीं से सिखाना शुरू करते थे। गाली देना वहीं से सिखाते हैं, गुस्सा करना उसी को सिखाते हैं, चोरी करना हम वहीं से अपने ही घर में सिखाते हैं, अच्छा मेंटालिटी लाना हम वहीं से सिखाते हैं। तो हमारा फर्स्ट पाठशाला जो होता है हमारा घर ही तो होता है। एक बच्चे को हम आदत डाल देते भीख मांगना शुरू कर लो, एक बच्चे को आदत डालते हैं कि आपका सामने वाला कितना भी पैसे दे दो तो पूछो, भाई आप मेरे को पैसे क्यों दे रहे हो, मैं तो आपका कुछ किया ही नहीं, आपका कोई काम किया नहीं। बिना वर्क का कोई पैसे देता है तो उसके पीछे क्या है, क्यों देता है, नहीं लेना चाहिए। तो हम कम कर्म करके ही लेना चाहिए। तो संस्कृत में लिखा हुआ है कि लालते पंच बरसाड़ी, दस बरसाड़ी ताड़ते, प्राप्त तू सोड़से बरसे मित्र वादा चरे। अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे डालो, 5 वर्ष तक उसको अच्छा लालन पालन करो, गंदे लोगों से दूर रखो, समाज सोसाइटी से दूर रखो। जो वही बच्चा 6 इयर्स का हो जाए तो उसको कम्युनिकेशन स्किल इतना बिल्डअप कर दो कि समाज में किससे कैसे बात करनी चाहिए, किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो उसको 15 साल तक इतना उसको टीच करो, इतना ट्रेनिंग दो कि समाज में लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हर
पहले से ऐसा सोच रख ले, जैसे मैं मिथिलेश चौधरी जब 8 क्लास में था तो 8 क्लास के ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। 8 क्लास के बाद मैंने अपने पेरेंट्स के सारे जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। आज मेरा भी लड़का विवेक चौधरी जो है हमारे नस्ल कदम पर चलता है। आज 2016 से हमारे बिजनेस में एजुकेशन करते हुए काफी सपोर्ट करता है। जैसे अपने बच्चों को सीख देते हो, जैसे आप क्लाइमेट बनाते हो, वही बच्चा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, समाज में वैसा ही बनता है। जिस तरह से आप झाड़ लगाते हो तो जिस झाड़ को जैसा आप रखना चाहते हो वही मोड़ लेता है। जैसे जिधर मोड़ना चाहते हो, जिधर चढ़ाना चाहते हो, जिधर बेंड करना चाहते हो उधर ही बेंड होता है। तो हर पेरेंट्स का एक कर्तव्य होता है, एक ड्यूटी होता है कि फर्स्ट पाठशाला को हमको उसको कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बिल्डअप करे, ये फर्स्ट पेरेंट्स की जिम्मेदारियां होती है। तो समाज में लड़ने के लिए और उसको एक ऐसा माहौल दे दीजिए कि जैसे संस्कृत में लिखा हुआ है कि काव्य शास्त्रो बिनो देनो कालो गच्छति धीमताम बेसनन च मूर्खा निंद्रा कलहेनवा। जो अच्छे संस्कार वाले लोग होते हैं अपने एक एक सेकेंड को पढ़ाई लिखाई अच्छे कामों में ही लगाते हैं। काव्य शास्त्रो बिनो देनो कालो गच्छति धीमताम, धीमताम का मतलब अच्छे संस्कार वाले जो होते हैं, और बेसनन च मूर्खा निंद्रा कलहेनवा, जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो जिनका माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाता है, गलियों में गुच्चों में जाकर के कार्ड खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, गाली गलौज करना। माँ बाप भी तो एक 16 साल के बच्चे को बुलेट ला के हाथ में दे देता है। माँ बाप भी तो एक अच्छा फोन ला 50,000 का फोन अपने बच्चों को दे देता है और बोलता है बेटा गाली सुन लो और यूट्यूब पर गेम खेलना शुरू कर दो। हर एक चीज को यूज करना जरूरी होता है। कोई भी चीज, कोई भी सामान, फोन भी खराब नहीं है, लैपटॉप भी खराब नहीं है बच्चों को देना। मैंने तो अपने बच्चों को 3rd क्लास में जब था तभी लैपटॉप दे दिया था। कभी वो किसी इंस्टीट्यूट में गया नहीं गया, लेकिन आज के डेट में एक प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आता तो सॉल्व कर सकता है। इसका कम्युनिकेशन स्किल को इतना बिल्डअप कर दिया कि आने वाला 25 ईयर्स में वो खुद का अपना रुतबा जमा सकता है। तो हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को जो सिक्स देखते हैं, जो सिखाते हैं, किसी को इग्नोर करना सिखाते हैं, किसी से फेसिंग करना सिखाते हैं। तो कम्युनिकेशन का फर्स्ट जो है पाठशाला जो होता है हमारा घर ही तो होता है, हमारे माँ बाप ही होते हैं। तो हम अपने बच्चों को किस तरह का संस्कार देना चाहिए वो हमारे लिए, तो उसी से एक संस्कृत में लिखा गया है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो ना पाठित नहीं शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकुआ था। जिस माँ बाप ने वो माँ शत्रु है और पिता बैरी है, बैरी मतलब दुश्मन, वो माँ बाप को कभी भी अच्छा नहीं समझना चाहिए जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाता है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं बिल्डअप कर पाता है। वो माँ तो शत्रु है, उसको शूट कर देना चाहिए भले पैदा किया तो क्या। वो बाप जो हमारा को अच्छा संस्कार नहीं देता है, डेली ड्रिंक करके आता है, डेली घर में लड़ाई करता है, क्लश करता है, उसे बाप को शूट कर देना चाहिए कि आज इतना स्ट्रगल कर रहे हो, कल भी स्ट्रगल करोगे, परसों भी करोगे। तो इसे माँ बाप को रहने से नहीं रहना अच्छा है, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन स्किल को खराब कर देता है, हमको समाज में जीने के लायक नहीं रखता है। तो ऐसे माँ बाप जो है माता शत्रु पिता बैरी जेल बालो ना पाठिता नहीं शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकुआ था। जैसे कि वो बगुला के झुंड में, बगुला के झुंड में जैसे हंस जो होता है बगुला के झुंड में हंस मध्य बकुआ था,
तो बगुला में झुंड में हंसों के झुंड में जैसे बगुला चला जाएगा तो उसको समाज इज्जत नहीं देती है, उसी तरह से जिस माँ बाप ने उस बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दिया, पढ़ाया लिखाई नहीं, वो किसी समाज में बैठने के लायक नहीं रह जाता है, कई समाज में उठने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए हमको फर्स्ट जो है हमारा जो है संस्कार, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम समाज से लड़ सकते हैं, फाइटिंग कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ आपको एक कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बिल्डअप करें उसके लिए 6 थिंग्स टू कीप द योर माइंड व्हाइल यू आर द कम्युनिकेटिंग। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके अंदर, आपके सोच के अंदर, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही सब कुछ दर्शा देता है। किसी से बात करते हैं, किसी से हम मिलते हैं, किसी से हम मीटिंग करते हैं या फोन पे बात करते हैं, आज तो डिजिटल मार्केट है, हम हमारा प्रेजेंस, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा कॉलिंग कम्युनिकेशन उसके साथ कैसे बिहेव किया, कैसे हम बात करना चाहिए। किसी को कॉल करते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, हाउ आर यू, तो हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, बात करने का सिस्टम लहजा अच्छा होना चाहिए, किस कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें ये हमको पेरेंट्स से सीखने को मिलता है और स्कूल में भी सीखने को मिलता है। सेकंड आता है लुक इन टू देयर आईज व्हाइल कम्युनिकेटिंग। जब हम किसी से बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपकी आंखें जो है हमारे आंखों को देखनी चाहिए। जब तक हम दोनों बात करते हैं एक दूसरे के आंखों में आंखों रख के ही बात करना चाहिए ताकि लगे कि सामने वाला जो है हमारी बात सुन रहा है। आपके आंखों में मैं बोल रहा हूं तो आप इसका मतलब हमको आप हमारी जो प्रतिबिंब आपकी आंखों में बन रही है, हमारी छाया आपकी आंखों में दिख रही है, इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं पूरा जो है ऐसा सेंसर की तरह, मैग्नेट की तरह आंखों में आंखों डाले तो आपका प्रतिबिंब सामने वाले की आंखों में पड़ने लगता है, तो चुंबक की तरह जो भी उसके दिमाग से निकलता है वो मैग्नेट की तरह खींच लेता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा मैग्नेट है कि सामने वाले को अपने तरफ खींच लेता है और आपका बात करने का लहजा, बात करने की शैली, बात करने का तरीका अगर सही नहीं है तो बना हुआ भी काम जो है बिगड़ जाता है। इसलिए सेकंड स्टेप का ध्यान रखिए, सेकंड टर्म्स को, कि लुक इनटू द देयर आई व्हाइल कम्युनिकेशन। जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं, तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करिए, देखिए कि आखिर सामने वाला बोल क्या रहा है और उसका फीलिंग कैसा है, तो हम उस कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी अच्छी तरह से बिल्डअप कर सकते, अपने लाइफ में चेंजिंग ला सकते। नेक्स्ट क्या है? बॉडी लैंग्वेज शुड बी टुवर्ड्स देम। बॉडी लैंग्वेज शुड बी टुवर्ड्स देम। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज भी जो है, समझ रहे, बॉडी आपका भी उसके तरफ जैसे जैसे बात करता है, अगर वो बोलता है कि हाउ आर यू, ठीक है सर, तो आपका ओके आई एम फाइन के साथ आपका जो है बॉडी लैंग्वेज भी मूव होना चाहिए। ओके हेलो सर, हाउ आर यू, तो तुरंत आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक हाथ जो है उसके तरफ बढ़ना चाहिए, इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। कैन यू गिव मी पेन सर, तो आपका बॉडी लैंग्वेज ही पेन की तरफ हाथ जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट कितना है, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो बॉडी लैंग्वेज के साथ करो, ऐसा स्टैचू बन जाओगे तो आपसे वो इम्प्रेस नहीं हो जाएगा, नहीं होगा,
बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है एक गुंगा जो होता है जो बोल नहीं सकता है, एक अंधा जो होता है चल नहीं सकता है। तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी को आम आदमी की तरह वो नहीं रहता है, नॉर्मल आदमी की तरह नहीं रहता है, वो कैसा रहता है, अलग ही रहता है। वो बोल नहीं पाता है लेकिन देख सकता है, एक अंधा है जो देख नहीं सकता है लेकिन बोल सकता है, और एक लंगड़ा है जो चल नहीं सकता है लेकिन सारे काम कर सकता है। तो गुंगा क्या करता है, तो चाय के दुकान पर जाएगा तो क्या बोलेगा, ऐसा चाय को बुलाएगा तो वो सामने वाला उसके बॉडी लैंग्वेज से ही तो समझ पाता है कि चाय मांग रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज से ही अगर कुछ बोलना चाहता है तो आपको बॉडी लैंग्वेज से ही समझा देता है गुंगा कि उसको चाहिए क्या, उसको करना क्या है। एक अंधा जो है उसके हाथों में एक स्टिक रहती है, स्टिक से ही आपको सब कुछ गाइड कर देता है, बोलेगा आपको बाजू में बोलेगा ऐसा स्टिक पकड़े रहेगा, बोलेगा कि हमको राइट जाना है कैसे जाना, लेफ्ट जाना है कैसे जाना, ऐसा दिखाएगा कि हमको आगे जाना है कुछ मेरे को हेल्प करो प्लीज हेल्प मी। तो बॉडी लैंग्वेज ही तो बोल नहीं पाता है लेकिन बॉडी लैंग्वेज तो उसको दिखा देती है कि हमको सिग्नल क्या है, हमको किधर जाना है। जैसे आपको फोर व्हीलर चलाते हो या गाड़ी चलाते हो हर जगह एक सिंबल होती है, वो तो बॉडी लैंग्वेज ही तो बताया गया कि ऐसा रोड जिधर उधर जाना है, स्टॉप है तो नहीं जाना है, रेडमार्क है तो हर एक चीज का एक बॉडी लैंग्वेज होता है। जिस इंसान ने ये कम्युनिकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन के अंदर अपना बॉडी लैंग्वेज को हर जो भी लैंग्वेज उसको निकालता है अपना बॉडी को मूव करना फ्लेक्सिबल करना सीख लेता है, वो लाइफ आपका हीरो जो आता है बॉलीवुड में एक हीरोइन आती है तो जब वो हीरोइन आती है और एक हीरो आता है तो फेमस कैसे होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज से ही तो होता है। तो वो पागुनी पाठक बोलती है कि चूड़ी जो खान की हाथों में, चूड़ी जो खान की हाथों में, याद पिया की आने लगी कि भीगी भीगी रातों में। तो बॉडी लैंग्वेज उसको बता देता है कि ये गाना का मीनिंग क्या है, एक हीरोइन भी बता देती है कि गाने का मतलब क्या है। तो चूड़ी जो खान की हाथों में, तो चूड़ी तो हाथ में ही रहती है ना, तो इसलिए ऐसा बोलती है कि चूड़ी जो खान की हाथों में, याद पिया की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में। तो बॉडी लैंग्वेज ही आपको सब कुछ बता देता है, इसलिए आज वीडियो देखिए बॉडी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट कितना है। तो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है, और इंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रैक्शन दो होता है। यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर पेशाब करना माना है, लोग वहां ही जाकर पेशाब करते हैं, नो एंट्री लिखा जाता है, क्रॉस द डोर लिखा जाता है, लेकिन उसको आप लोग ऐसे ही खोल के आ जाते हैं। नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ लेकिन लोग जाकर वहीं पर ऐसा सिगरेट पीते हैं, क्या बात है, ये इंडिया इज ए ग्रेट। हमको रोड पर जब चलते हैं तो हमको मालूम है कि लेफ्ट साइड से चलना चाहिए लेकिन लोग राइट साइड से चलते हैं और फिर दूसरे का कालर पकड़ के बोलते हैं ना के लौड़ इधर से तुम क्यों आ गया। रेड लाइन और ग्रीन लाइन आती है तो आप लोग रेड लाइन को क्रॉस करने में अपने को बहुत हीरो समझते हैं। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप अपने बॉस के सामने जाते हो, हम किसी के सामने जाते बात करने के लिए तो अपना जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है मोबाइल को साइड में रख दीजिए,
पॉकेट में तो पॉकेट में रहना चाहिए, आप बॉस के साथ जाते हो मीटिंग में जाते हो पेपर और उसमें रहना चाहिए, पेन रहना चाहिए, नोट्स बुक रहना चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शन मेंटेन करना जरूरी है, रिमूव द ऑल डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा दिमाग फोन पर किट-किट नहीं रहना चाहिए, ऐसा फोन देख रहे सुन रहे हैं। हम सिस्टम पर काम करते हैं, कोई आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग कंपनी में रहती है, ओपनिंग मीटिंग और क्लोजिंग मीटिंग, तो आप सारा काम को बंद करके सामने वाले के आंखों में आंख डाल के देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जब हम जो काम करते हैं, कहने का मतलब जिस काम को हम जब करते हैं ना, वो काम पर पूरी तरह से हमको अलर्ट होना चाहिए। और दूसरे कामों में नहीं, सब हम आप सामने बात कर, आप नीचे देख रहे हो, आपकी ऐसा मुड़ के बैठे हो, ऐसा मुड़ के बैठे हो, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारा जो है फोकस, हम जिससे बात करने कर रहे हैं वो वक्त फिर नहीं आएगा। आप सोचते हैं कि बात करते करते दूसरा भी काम करते रहते हो, किसी से आपको बात करना है तो पहले उसको क्या किस मूड में है, कैसे बात करेंगे, तो उसी को पहले आप थोड़ा सा देखिए उसका मूड को, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में रखिए। ऑल डिस्ट्रैक्शन, हम सर के पास जाना है, क्लाइंट से बात करना है, सर मैं आपका एक मिनट बात कर सकती हूँ क्या, मैं कमिंग सर, आप अपने बैठे बैठे सीटों पर ही दूसरे से बोलते अरे वो किस काम है, एक्सक्यूज मी सर एक मिनट आप फिर है तो मैं कुछ बात करना चाहूँगी, बात करना चाहता हूँ। कोई भी इंसान तो फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, तो जब हम बात करते तो पूरी तरह से उसको भी रेडी करना होगा सामने वाले को, और आप भी पूरी तरह से रेडी होना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं तो उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन, ऑल डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन करते हुए हम जब जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे वही सब्जेक्ट दोनों के दरमियान रहना चाहिए। सोचते रहे दूसरा बात करें दूसरा, तो वहाँ पर मिस्टेक होगी। एक बार में एक ही काम होना चाहिए, एक समय में एक ही फोकस होना चाहिए। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। Always shake your head while communicating. Try to ask questions to know them more clearly. Always shake your head while communicating. Try to ask questions to know the more clearly. आप स्कूल जाते हो, नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक जाते हो, ITI तक जाते हो, IIT में भी जाते हो, तो हर जगह पे सवाल वही है कि आपको कम्युनिकेशन डेवलप करना होगा। जब भी कोई बात करता है तो आपके तरफ वो देखा तो मुंडी हिला दीजिए, सर को समझ में आ गया सर। अगर आपको सब्जेक्ट पर समझ में नहीं आया तो आस्क द क्वेश्चन, उसके बारे में क्लियरली जानने की कोशिश करो। आप उसको बीच में रोको, सर मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि इंसान की जो है ये जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, सबसे तेज चलने वाला, किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा तेज चलने वाला वो वस्तु वो पार्ट क्या है इंसान के अंदर, तो ब्रेन है। अभी आप यहाँ पर आपका बॉडी ही दिख रहा है, लेकिन आपका हम जो आपको बोल रहे हैं आप शायद 25% भी फॉलो नहीं कर रहे हो, नहीं सुन रहे हो। लिसनिंग, सुनने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिसनिंग, एक लिसनिंग बोलते हैं और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हियरिंग, एक लिसनिंग और हियरिंग, क्या बोलते हैं, हियरिंग, सुनना अलग बात है, अब सुन रहे हो, दो हो गया, सामने वाले की बात तो दो तरह से आप सुनते हो, ये जो कान में जो है एक ऐसे सेंसिटिव रहता है जो साउंड से जाके क्लिक करता है, तो आपके दिमाग में क्लिक करके साउंड के रूप में आपको कानों में आती है, मस्तिष्क जाके सेंसर के काम करता है। तो हियरिंग और लिसनिंग क्या होता है बताइए, हियरिंग बोले तो आप सुन रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है,
और दूसरा क्या है? लिसनिंग। लिसनिंग मतलब आप पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हुए सुन रहे हो दोनों को, दोनों कितना फर्क है, दोनों कितने। जिसने हियरिंग, आप गाना तो सुन रहे हो उसको हियरिंग बोलते हैं, लेकिन आपको गाना में खाली म्यूजिक पर ऐसा झूम रहे हो, हा? खाली म्यूजिक में झूम रहे हो, लेकिन वो गाना कब याद होगा? जब आपको लिसनिंग। जोर से बोलो लिसनिंग। जोर से बोलो लिसनिंग। फिर से बोलिएगा। सुनने का जो तरीका है कितना तरह का होता है? टू टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है? हियरिंग एंड लिसनिंग। और दूसरे? लिसनिंग। तो किसका शब्द जाना चाहिए? लिसनिंग। हियरिंग बोलो तो हम सुन रहे हैं, उधर भी लोग बात कर रहा है, वो कान तका रहा, उधर का भी सुनाई दे रहा, वो क्या बोल रहे सामने वाले। और इसलिए दूसरे के साथ जाओ, किसके साथ जाओ? लिसनिंग। सुनते हुए क्या बोल रहा टीचर, सर क्या बोल रहा, कस्टमर क्या बोल रहा, आप उसको सुनाइए नहीं, क्या कराइए, क्या कराना? सुनना। क्या कराना चाहिए उसको? उसको सुनाइए मत और आप खुद मत सुनिए, उसको क्या करना होगा? जोर से बोलो लिसनिंग। हाँ, उसको अपने बारे में, जिस प्रोडक्ट पर बात कर रहे हो, जिस क्वेश्चन पर बात कर रहे हो, जिस कोटेशन पर बात कर रहे हो, उसको थोड़ा सा, जो भी काम कर रहा है उसको थोड़ा सा फ्री लाओ, उसको सुनने के लिए, लिसनिंग करने के लिए पहले प्रिपेयर करो। सर मैं बात करना चाहूंगी। अगर आप फ्री है, अगर आप सुनने के लिए रेडी हो, आप खाली हियरिंग मत करो सर, मैं जो बोलने वाली हूँ उसको जरा ध्यान दीजिए, हम जो कहने वाले हैं उसको ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट। डोंट टेक कम्युनिकेशन पर्सनली। डोंट टेक कम्युनिकेशन पर्सनली। जब आप कुछ भी कम्युनिकेशन को पर्सनली मत ले लो, बोला जाता है डोंट टेक माइंड, कोई भी डोंट माइंड, कोई भी काम आप करते हो, कोई भी कोई कुछ सिखाता है तो आप पर्सनली ले लेते हो। टीचर बोलता है और सर बोलता है, वैसा एक वर्ड बोल आपको पकड़ के पर्सनली ले लेते हो, वो पूरा मीटिंग को आप क्या है, हियरिंग में खत्म कर देते हो। दूसरा क्या है पॉइंट? लिसनिंग। लिसनिंग में आप नहीं जाते हो क्योंकि आपको दिमाग में बढ़ गया एक टॉपिक, लगता है सर हमारे लिए बोल दिए, आपको माइंड में आपका मंथन कर रहा, अरे दूध गर्म रहेगा तब ना उसमें से मक्खन निकलेगा, और मक्खन रहेगा, प्योर दूध रहेगा तो मक्खन में तब तो घी निकलेगा, उसको मंथने से क्या फायदा। अंडरस्टैंड? समझ आ गया? तो आपको डोंट टेक ए कम्युनिकेशन पर्सनली। अगर कोई भी कोई समझाता है तो उसका हियरिंग मत करो, लिसनिंग करो, ध्यान दो पूरी तरह, तब आपको। तो आज हमने देखा कि हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल का हम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक चीज बताओ, महात्मा गांधी की बात लेते हैं, उनका जो है कम्युनिकेशन स्किल ही तो था कि इंडिया को अपने बातों से वशीभूत कर दिए थे। अब जरा अपने एक लीडर बन जाता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल ही तो अच्छा रहता है। कोई भी बड़ा बनता है, कोई बिजनेसमैन बड़ा बनता है तो उसका कम्युनिकेशन स्किल ही तो अच्छा रहता है। अपने स्टाफों को क्यों रखता है? शरीर के कितने पार्ट होती है, कितनी हड्डियां है, सबका अलग अलग फंक्शन है। क्या एक सब एक बार में एक ही काम करता है? अभी हम खड़े हैं तो हम अभी बोल रहे हैं, उस टाइम में क्या काम कर रहा। उसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें नंबर ऑफ पार्ट रहता है, अकाउंट्स रहता है, परचेज रहता है, प्रोडक्शन रहता है और एचआर डिपार्टमेंट रहता है। सभी लोगों को अपने अपने कायदे से काम करना चाहिए। हर चीज के लिए अगर हम MD के पास पहुंच जाएंगे, चेयरमैन के पास पहुंच जाएंगे तो बनता हुआ काम भी
बिगड़ जाएगा, क्योंकि एचआर का काम एचआर वाला ही कर सकता है, कोटेशन का काम कोटेशन वाला ही कर सकता है, पेमेंट लेने का काम पेमेंट लेने वाला मार्केटिंग वाला ही कर सकता है। आप हर एक बात को अपने ऑनर को ही बोल दोगे कि सर ऐसा हो गया, तो ऑनर तो बंदा हुआ काम ही बिगाड़ देगा, क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल वहाँ तक उतना बिल्डअप नहीं है, उतना उसका अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। ऑनर तो बन गया, मैनेजिंग डायरेक्टर तो बन गया, लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्किल उसके मुताबिक नहीं है, अंडरस्टैंड। तो हर सब्जेक्ट को अपने एंगल से सॉल्व करना सीख लो, हर एक प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम आपसे शुरू हुआ था, अब प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करना होगा, और वो प्रॉब्लम को बीच में दूसरे को ले जाओगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, बड़ा हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो हर प्रॉब्लम को अगर आपके पास कस्टमर है उसको आप ही हैंडल करो शुरू से लास्ट तक, आपको उसके कम्युनिकेशन स्किल आपको मालूम है, किस तरह से बात किया था, क्या करने वाला है, बीच में ला के आपको हमको देते हो, किसी और को देते हो, तो आपको बिगड़ा हुआ वो तो घुसन बोलेगा पेमेंट क्यों नहीं दिया, लेकिन आप लोग के दरमियान क्या बात हुई थी वो तो आपको मालूम है। हम तो मालिक तो यस नो में बात करेगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, बिगड़ा हुआ काम बिगड़ जाएगा और बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिए। तो आपके साथ चलते चलते जिंदगी इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में कोई भी बचा नहीं है बीमारियों से, कोई भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में मिस्टेक कर ही देता है, ये प्रकृति का नियम है। मूड भी एक तरह का नहीं होता है और कंडक्टर भी एक तरह का नहीं होता है। कंडक्टर बोले तो मालूम है ना आपको, गुड कंडक्टर, सेमी बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, धातु बोलते हैं जिसको। उसी तरह से इंसान का भी बार बार बोलता है कि इंसान भी हर एक बात एक मूड में नहीं रहता है, कभी रोमांटिक मूड में रहता है, कभी सैडनेस मूड में रहेगा, कभी हैप्पीनेस मूड में रहेगा। तो हमको कस्टमर भी उसी तरह से, जिस तरह से आप डेली एक जैसा कपड़े नहीं पहनते हो, एक तरह से आप मूड में नहीं रहते हो, उसी तरह से कस्टमर भी जो है एक मूड में नहीं रहता है। उसका दिन भर में हर घंटे में हर समय में उसका चेंज, दिमाग चेंज होता रहा, तब जरा संभाल के बात करना होगा कस्टमरों से। जैसे कि कंडक्टर होता है, जब वो धातु के होगा, गुड कंडक्टर होता, उस कितना भी मारक है तो जितना पतला बना हुआ कुछ वस्तुएं बना सकते हो, जैसे सोना गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, एक गुड कंडक्टर हो गया। उसी तरह से आप गुड कंडक्टर को, गुड क्लाइंट को पकड़ो, उसको सर्च करो कि ये कस्टमर मटेरियल लेने लायक है कि बेवकूफ जी बना रहा है, ऐसे कस्टमर को सर्च करो, उसको कितना भी मारेंगे हैमर, कितना भी बात करेंगे तो नाराज नहीं होगा, वो गुड कंडक्टर है, गोल्ड है। बैड कंडक्टर बोले तो बैड कस्टमर से दूर रहिए, बैड कर सप्लायर से दूर रहिए, कभी भी वो धोखा ही दे देगा, क्योंकि वो उसके बातों में दम नहीं है, दो हथौड़ा मारेगा तो चकनाचूर हो जाएगा, जैसे कोयला है, लकड़ी है, तो बैड कंडक्टर हो गया। हो गए, तो उस तरह से इंसान है, उसको देखिए, लोहे को कितना भी पीटोगे तो लोहा ही रहेगा, कैसे लकड़ी को तो जलाएंगे तो फिर जल जाएगा तो बचेगा नहीं, एक बार कोई वस्तु बन गया फिर दूसरे बार फिर काट काट के ही बनाना पड़ेगा। लोहा तो बार बार खत्म होगा, बार बार शेप लेगा, जैसे पीवीसी है वो रिसाइकिल होते रहेगा, लेकिन रबर रिसाइकिल नहीं होगा। उसी तरह से जो अच्छे आदमी है ना वो रिसाइकिल फ्लेक्सीबल होते हैं, उसको जैसा मूव करना चाहेंगे मूव होते, जो गंदे लोग होते हैं वो कभी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो टेढ़ा ही चलते हैं, वो कभी भी सीधा नहीं हो सकते। ओके, तो अभी हम सेमी कंडक्टर का बात करते हैं। सेमी कंडक्टर का मतलब होता है उसके अंदर, वो कस्टमर के अंदर अच्छाई भी रहती है, बुराई भी रहती है। हम चाहे तो उसको बुराई से निकाल के हम अच्छा कस्टमर के रूप धारण कर सकते हैं,
जैसे ग्रेफाइट जो होता है, पेंसिल आपकी जो होती है ना, अंदर पेंसिल आपसे लिखते हो पेपर पे, वो सेमी कंडक्टर के अंदर आता है, उसको छील करके करंट में लगाओगे, दूसरा तरफ पकड़ोगे तो करंट मार देगा, अंडरस्टैंड। और जब उसको थोड़ी सुना तो धूर धूर हो जाएगा, तो उसके अंदर बैड कंडक्टर भी प्रॉपर्टी है और गुड कंडक्टर का भी प्रॉपर्टी है। जो पेंसिल होता है ना जिसके अंदर ग्रेफाइट रहता है, ग्रेफाइट ही तो लिखता है आपको पेपर में, लेकिन वो करंट भी उसमें आता है और करंट भी नहीं आता है, तो दो करंट भी आएगा उसमें और लेकिन मारने पर धूर हो जाएगा, तो क्या हो गया, सेमी कंडक्टर। तो आपको किसके साथ जाना चाहिए, तो गुड कंडक्टर। आप ऐसे कस्टमरों को तलाशते रहिए जो कि कभी भी किसी भी समय आपको रियलाइज करे, आपको फ्लेक्सिबिलिटी से ही बात करे। बहुत सारे कस्टमर हैं जो आपको डुबाने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके ऑर्डर तो ले लेते हैं, पेमेंट देने के लिए बहुत दिक्कत करते हैं, तो ऐसे कस्टमरों से आपको बचना होगा। तो उसके साथ साथ हम लोगों ये जो टैबलेट है, ये जो कैप्सूल है, ओमेगा 3 है, जो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए काफी है। ये हर्बल लाइफ जो संध्या फ्लेक्स ग्रुप जो है, हर्बल लाइफ का भी इसका एक चंद्रगिरी नगर हैदराबाद में, आपके ही शहर हैदराबाद में चंद्रगिरी नगर नियर ऑफ UMCC हॉस्पिटल के पीछे एक हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सेंटर है, जहाँ पे हम लोग जैसे दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाइपरटेंशन में चले जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं आज का जनरेशन में, तो ये एक टैबलेट जो है आपको काफ़ी हेल्दी रखेगा। या जो कैप्सूल है, दिन में एक दो बार लेने से आप काफ़ी सारा बीमारियों से बच जाते हो, इसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं। तो मैं तो सुधर गया, भला आप कब सुधरोगे, ये बार बार मैं बोलता हूँ। मेरे को तो कुछ करना है और समाज को लेके चलना है, इसलिए तो हम हर्बल लाइफ के साथ आ गया। और कृपा करके अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, तो एक कैप्सूल ज़रूर एक दिन में लीजिए और आप हमेशा हर एक बीमारियों से बच सकते, कोलेस्ट्रॉल से बच सकते, और अगर कोई डिलीवरी होने वाली क्या बोलते हैं, कोई लेडीज है, प्रेगनेंसी लेडीज है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी फायदा करता है। तो मैं ये बोलूँगा कि हर आप अपना लाइफ जो है नेचुरल चीज़ से शुरू कीजिए और नेचुरल में ही ख़त्म कर दीजिए। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, कोई यहाँ पर बचने के लिए नहीं आया, फिर भी ये शरीर मिला है तो इसको मेंटेनेंस तो करना ही आपकी जिम्मेदारी बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।